फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से नीचे ही जाता है, इसलिए देखिए यहाँ पर हार्ड स्नो जमा है। लेकिन ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस इस बार हिमालयन रेंज में कहीं पर भी इतना बर्फबारी नहीं हुआ है कि हमको यहाँ पर अभी स्नो मिले। उम्मीद है कि थर्सडे को हमको स्नो मिल सकता है, होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत ही सुंदर ये झरना आप देखिए, और ये पूरा फॉरेस्ट जहाँ से हम जा रहे हैं फुल फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा, शायद झरने का रास्ता है, लेकिन अभी ये पूरा टेम्परेचर के कारण पूरा स्नो में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये जमा हुआ पानी, ये स्नोफॉल नहीं है। फ्रेंड्स, मीट माय फ्रेंड फ्रॉम यूएसए मिस्टर सुनील जैन। हेलो। ये बहुत सारी ट्रिप्स कर चुके हैं यूरोप, यूएसए और इंडिया में भी। सर, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। ट्रेकिंग इज जस्ट मेक मी सो हैप्पी टू बी इन द माउंटेंस, वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। ग्रेट दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत वातावरण है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस इन दिस फॉरेस्ट, और एक दिव्य अनुभूति इस ट्रैक पे आके हो रही है। स्टिल वी हैव टू ट्रैक नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर फॉर अवर कैंप साइट, बट स्टीप एसेंट है, खड़ी चढ़ाई जिसको कहते हैं, और प्रॉपर रास्ते नहीं हैं। खुद से रास्ता सर्च करके गाइड की मदद से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दैवीय अनुभूति इस फॉरेस्ट में हो रही है। इसका नाम ताली फॉरेस्ट, जो लगभग समुद्र तल से 11,000 फीट ऊंचाई पर है। आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, और खूबसूरत इन पेड़ों को बीच से सूर्य नारायण की किरणें मेरे ऊपर पड़ती हुई, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू। आज हमारे विंटर क्वारी पास ट्रैक का आज तीसरा दिन है, और आज हम ताली फॉरेस्ट में अपना कैंप साइट में रुके हुए। हम इस समय 11,000 फीट की हाइट पर हैं। अभी तक तो मौसम काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा उम्मीद है कि रात के समय काफ़ी ठंड यहाँ पर होगी। ये पूरा जो फॉरेस्ट है, ये सिल्वर ओक्स एंड गोल्डन ओक्स और कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर मेरे को दिखाई, मतलब रास्ते में मिले जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था गुलिंग टॉप से। मैंने नियर अबाउट 2000 का आज हाइट स्टिप किया है, और अभी हम जस्ट लंच करके जस्ट नॉट फॉर्मल गेट टुगेदर कर रहे हैं। मैं मिलाता हूँ आपको अपने दोस्तों से। रमेश जी, हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मस्त हूँ मैं। ट्रैकिंग वॉज रियली गुड। इट्स रियली डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर बिगिनर्स, अदरवाइज इट्स फन। वेटिंग फॉर द समिट टुमारो। ग्रेट ग्रेट। अभी तक इससे पहले कौन सा ट्रैक किया आपने? दिस इज माई फर्स्ट ट्रैक। दिस इज योर फर्स्ट ट्रैक, ओके ग्रेट। सो जब आप ऋषिकेश आए, ऋषिकेश के बाद आने से आपका वहाँ से क्या आपका मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि आपका पहला ट्रैक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सो मुश्किल था पहले ट्रैक है, इसकी वजह से थोड़े देर से वो पर चढ़ गया, और अभी और देखते हैं कल कैसे हो, कितना मुश्किल हो रहा है। ग्रेट। चलिए, मैं मिलाता हूँ मेरे दूसरे फ्रेंड जो कि यूएस से हैं, मिस्टर सुनील जी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो फोक्स, डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। सर, कैसा रहा आपका अनुभव भी इस ट्रैक को लेकर? नो, इट्स बीन ग्रेट। द फूड बाय द ट्रैक द हिमालयस हैज बीन वेरी वेरी गुड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक एवरी मील हैज बीन गुड। द ट्रैक हैज बीन वेरी स्टीप, फॉर्चुनेटली इट वॉज शॉर्ट द लास्ट टू डेज। नेक्स्ट डे जो समिट जाना है हमको कल, that is going to be tough because we have to climb a lot and then come back here to the same campsite, so we're looking forward to it. Sir, jaise aap itna anubhavi lag rahe hain, aapka jo bhi fitness hai, is cheez ko main daad deta hu, so main ye janna chahta hu, aapne apna matlab apna pura anubhav bataiye isko, jahan kab aapko iske prati aapko itna pyar paida hua aapke andar ki nahi mere ko is cheez se itna mere ko trekking karna hai, itna mere ko, aapne kahan kahan trekking kiya, thoda sa mere ko pura detail mein iske bare mein thoda bataiye।
मैं ट्रैकिंग तो बहुत देर से कर रहा हूँ. व्हेन मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ तो इन कैलिफोर्निया इन द सियेरास इन योसेमिटी किंग्स कैनियन और जितने भी वहाँ नेशनल पार्क्स हैं तो आई डन अ लॉट ऑफ हाइकिंग और ट्रैकिंग इन दोज एरियाज. दिस वाज मेनी इयर्स अगो 20-30 इयर्स अगो और तब से आई हैव बीन ट्रैकिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ अमेरिका इन यूरोप. And now, for the last 5 years, I've been trekking a lot in India also. Okay. I've done the Har Ki Dhoon trek, I did the Goichala Pass trek, okay. And this is my third big trek in India. Okay. And it's been great. I really love trekking in the Himalayas. Okay, so, आप जब हिमालयन ट्रैक करते हैं और आप जब ये यूरोप यूएस तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस फील होता है? I think the big difference is जो the mountains in the Himalayas, just the elevation, they're just very majestic. मतलब और कहीं भी ऐसे माउंटेन्स नहीं हैं वे लाइक 7,000 मीटर और 8,000 मीटर पीक्स लाइक आम दिखने को मिलती हैं. Nowhere else that is the case. It is very hard. So, and I think there are a lot of beautiful treks. I mean, for me, the favorite so far has been the Goichala Pass trek, where we had a great view of the Kanchenjunga mountain peak, and it was just phenomenal. So, looking forward to more views tomorrow. Great, great. चलिए सर साथ में मिलके कलम सेंड करते हैं. We'll hike together. Thank you. Thank you. ये भारतीय बैडमिंटन टीम के हिस्सा हैं और इन्होंने अभी गेम में भी पार्टिसिपेट किया. So, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. दिस इज निहार केलकर. आई प्लेड बैडमिंटन फॉर इंडिया. आई मीन करंटली इंडिया नंबर 7. ग्रेट. और फिर यहाँ पे हिमालय में पहली बार आया हूँ ट्रैक करने. उसके पहले संदकफू गया था. फिर ये मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस है इन हिमालय. और काफ़ी ठंड है, बाकी सब अच्छा है. सो जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए, आपने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करी? नहीं, प्रिपरेशन तो नहीं, खेलना ही बस है. खुद एथलीट है तो आपको इतना प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है. सो आपको मतलब यहाँ ये आपने यही ट्रिक क्यों चुना आपने इसको करने के लिए? मतलब ये कम दिन का था, 4-5 दिन का ही था. ओके. तो सेट हो रहा था मेरे टाइम लैप्स में तो इसीलिए. ओके. सो अभी जैसे आपने अपनी जर्नी ऋषिकेश से शुरू करी है, आपने पीपलकोट में पहला बेस कैंप था, देन कल हमारा कैंप साइट था गुलिंग टॉप में, आज हम टाली बेस कैंप टाली कैंप साइट पर रुके हुए. सो आपको पीपलकोट में कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपका टाली बेस कैंप में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? कल गुलिंग टॉप की रात कैसी भी थी? गुलिंग टॉप नाइट वॉज वेरी हॉरिबल. नींद नहीं है रात को पूरा टाइम. ओके. और वो इनबैलेंस था थोड़ा बैक के लिए. डॉट नॉट सपाट नहीं था वो. ओके. हाँ यार, पूरा मेरे साथ भी यही था. इसके लिए दैट फर्स्ट नाइट वॉज गुड इन पीपलकोट. इट्स गुड रूम, गुड वार्म कंबल, सो इट्स वेरी गुड. सो आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने स्लीपिंग बैग में भी अपनी नींद ली होगी? नहीं, स्लीपिंग बैग में सो चुका हूँ पहले. अच्छा अच्छा. बट इतना ठंडी में पहली बार सो रहा हूँ, इतनी आदत नहीं है हम लोग को ठंडी की. मुंबई में जिधर रहते हैं. चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप जल्दी हमारे भारत के लिए काफ़ी सारे मेडल्स जीत के लाएँ और कल मिलकर साथ में सबमिट करते हैं. मेरे साथ हैं हमारे इस ट्रैक के ट्रैक लीडर मिस्टर पवन जी. मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बारे में बताइए. हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन. आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. मैंने काफ़ी ट्रैक किए हुए हैं, जैसे आपका पिन पार्वती हो गया और लद्दाख में हो गया, जोजोंगो पीक, कनामो, लद्दाखी पीक एंड शेतीदार फ्रेंडशिप और भी बहुत सारी. तो हिमालयन ट्रैक ऑलमोस्ट किए हुए हैं, लाइक रूपकुंड हो गया, तो काफ़ी ट्रैक किए हुए हैं. आपने इसके लिए क्या प्रिपरेशन करी? आपने कोई कोर्स किए? हाँ, मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किए हुए हैं, बेसिक एडवांस MOI, जो कि हमारे माउंटेनियरिंग फील्ड के कोर्स होते हैं. तो उसके बाद इस प्रोफेशनल में आया. तो काफ़ी टाइम से मतलब एडवेंचर लाइन में हूँ, लाइक 9-10 साल हो गए इस लाइन पे. और मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करवाता हूँ, लाइक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और भी बहुत सारी. तो साथ साथ में ट्रैकिंग और ट्रैक लीडिंग करता हूँ. तो बाकी इस ग्रुप के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी अच्छी टीम है. स्लो भी है, फास्ट भी है, हर टाइप के वॉकर है, स्लो वॉकर, फास्ट वॉकर. तो काफ़ी मज़ा आ रहा है टीम के साथ. आई होप कल समिट डे है हमारा, काफ़ी अच्छा रहे.
और सब पूरी टीम सबमिट कर पाए। आपने अपना ये फिटनेस का राज बताएंगे कि आप इतना फिट कैसे हैं? फिटनेस खास कुछ नहीं है, डेली लाइफ यही है, रूटीन यही है, डेली ट्रैक ट्रैक ट्रैकिंग और थोड़ा सा हार्ड लाइफ है, आपको पता है गाँव की। यू आर एंजॉयिंग इट? या ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ बिकॉज आई चूज, क्योंकि मैंने ये लाइफ ही चूज़ किया। मतलब मेरे को, मैं जब छोटा था, जब मैं काफ़ी छोटा था, मतलब 8th standard में, उस टाइम मैंने पहला ट्रैक किया था हमता पास। तो मैंने उस टाइम से ही अपना प्रोफेशनल बना दिया इसको। मतलब मेरे और कुछ दिमाग में नहीं था, बट मेरे को ये था कि मेरे को बस यही करना है, एडवेंचर ही करना है। तो मैं काफ़ी किया काम, साउथ में किया काफ़ी, तो अपना साउथ में भी काफ़ी रहा, जैसे ऊटी, मुन्नार, केरला, काफ़ी वहाँ पे एडवेंचर ग्रुप्स हैंडल किए। यहाँ पे भी ट्रैकिंग किया आपने? हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी किया हुआ है। तो काफ़ी जगह पे, काफ़ी दूसरी कंपनियों में काम किया है, तो सभी कंपनियों में काम करते रहते, एक्सपीरियंस अपना लेते रहते। तो अभी TTH में है, तो TTH में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, काफ़ी अच्छा काम है, और ट्रैकिंग भी काफ़ी चलती है TTH में, बहुत सारी ट्रैकिंग, अच्छे अच्छे ट्रैक चलते हैं, एक्सपीडिशन चलते हैं। मतलब आपको प्रोफेशनल गाइड मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगा, प्रोफेशनल ट्रैक लीडर, प्रोफेशनल टीम, तो काफ़ी सेफ है TTH ट्रैक के लिए। तो आप TTH ज्वाइन करो, देखो। ओके, बस लास्ट में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। कल आप पूरे ग्रुप को एक मैसेज दे रहे थे, संदेश दे रहे थे कि जिस तरीके से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग ट्रैक्स और होते थे, जैसे रूपकुंड का आपने नाम लिया था, अपने सोट कांगरी का नाम लिया था, तो आखिर क्या रीजन रहा? खुलारा जिस ट्रैक में हम हैं, ये पहले खुलारा होके जाता था, तो अब क्या ट्रैकर से या जो भी लोग आते हैं, या क्यों वो बंद हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर संदेश देना चाहें? क्योंकि देखो, बहुत सारे आते हैं जिसको नॉलेज नहीं होता कि ट्रैकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, हिमालय को क्लीन रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आ गए यहाँ पे, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हिमालय के ऊपर, हम इस नेचर पे आ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, इतनी फ्रेश एयर, एकदम प्योर एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी कुछ भी नहीं है आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा स्पॉइल कर रहे हैं, मतलब पूरा कचरा फैला रहे हैं आके, जैसे रूपकुंड में देखो काफ़ी कचरा हो गया, लोग आ रहे हैं बहुत अवेयर नहीं है, अपना रैपर खा के फेंक रहे हैं ऑन द वे, कोई आ रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, फिर वहाँ पे पूरा कचरा फैला के जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे अच्छे अच्छे ट्रैक बैन हो जाते हैं। तो जितना हम क्लीन रखेंगे, जितनी हम सफाई रखेंगे, जितना हिमालय को हम, अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारी फ्यूचर जो हमारा लास्ट में जनरेशन आने वाली है, वो फिर कुछ भी नहीं देख पाएगी, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हम तक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए हमें सब क्लीन रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि आने वाली फ्यूचर भी ये ट्रैक कर पाए, ऐसा ना हो कि बैन हो जाए। थैंक यू सो मच, कल आपके लीडरशिप में हम लोग करते हैं सबमिट इंटर क्वारी फेस्ट को, थैंक यू, मिलेंगे। ओके, आप देख पा रहे हैं ये हमारा ताली फॉरेस्ट और इसका बेस कैंप TTH के थ्रू बनाया गया है। ये किचन टेंट है, ये डाइनिंग टेंट, और वो हमारा कैंप साइट। हरीश सिंह जी, जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, ये काफ़ी हिमालयन ट्रैक्स में आपको गाइड करते हुए मिलेंगे। मेरा इनके साथ दूसरा एक्सपीरियंस है, पहले ये मेरे साथ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में थे, मेरा इनसे बहुत अच्छा दोस्ती हो गया है, और अभी ये मेरे साथ क्वारी पास ट्रैक में है। सर, गुरुजी, कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई जी ना, बोलो बताइए सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप तो यहाँ के वासी हैं। देखो साहब, मैं तो यहाँ पर एक लोकल गाइड हूँ, और मैं ज़्यादातर ट्रैक हिमालय के साथ ही अभी काम कर रहा हूँ, और इधर उधर जाता हूँ, तो जैसे इंडिया एक्स है और UTT है, उत्तराखंड ट्रिप ट्रैक है, सर्चिंग सोल है, अलग हमारा काम होता है। तो भाई जी, बढ़िया लगा आज का ग्रुप। तो पहले दिन हमने गुलिंग कैंप किया था, और वहाँ पर जो 9000 फीट पे हम वहाँ पर थे, वहाँ से आगे हम बढ़े आज, तो स्लोली वॉक करते हुए, जंगल का रास्ता था, बड़ा सैंड भी था, और आज हम पहुँच गए ताली फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पर थोड़ा ना भाई जी, और पानी का बहुत बढ़िया है, एक सोर्स है, इसलिए यहाँ पर कैंप होती है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि विंटर में तो यहाँ पर बहुत से ज़्यादा स्नो रहती थी, पर इस साल अभी जब हम पहुँचे तो यहाँ स्नो नहीं है, तो ये प्रकृति का नज़ारा है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर बढ़िया कैंप करते हैं, यहाँ पर हमारा ये जैसे किचन लगेगा, डाइनिंग लगेगा, आगे हमारा जो है स्लीपिंग टेंट लगेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा जंगल है, ये गोल्डन ओक वाला जंगल ज़्यादा है, रोडोडेंड्रोन भी इस पर ज़्यादा है जो वाइट वाले हाई एल्टीट्यूड के हैं ज़्यादातर यहाँ पर, और वो तो हमें मई में ही फ्लावर इस पर मिलेंगे। और भाई जी यहाँ से जब हम कल जाएंगे तो हम झंडी टॉप होते हुए कुंवारी पास समिट के लिए जाएंगे, तो ये झंडी टॉप एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो हाइट मतलब 12,500 के आसपास का है, तो वहाँ से 60 व्यू हमारा लगता है आपका चंद्रशिला टॉप से लेकर के आपका चोखम्बा, नीलकंठ, आपका इधर में माना पीक, पार्वती पीक, एलवांस पीक, और आपको मैं पूरा पीक दिखाएंगे इधर से होते हुए आपका कामेट हुआ, नीलगिरी हुआ, हाथी घोड़ा हुआ, बर्मल हुआ, और फिर आगे हम को मतलब लोकल पीक है सोनगांगर, या फिर हम इधर राइट में आते रहेंगे तो हमारा लंपक 1-2 है, बीच में गरुड़ है, त्रिशूली है, और आगे हमारा बड़ा सा जो हम नीचे से देखते आ रहे हैं वो हमारा द्रोणागिरी है, उसके बाद में हम देखें हनुमान पीक देखेंगे, चंगबंग देखेंगे, ऋषिकोट देखेंगे, और ठीक है भाई जी वो सबसे हाइस्ट वाली पीक भी देखेंगे नंदा देवी, और उसके बाद हमारा कुमाऊँ रेंज में आ गए हम उधर को, तो बिथारतोली है आपका, बिथारतोली हुआ, फिर नंदा घुंगटी हुआ, नंदा खाट हुआ, और रोंटी पीक दिखेगी आपके, और लास्ट में हम पांगरचूला जो सबमिट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे अच्छे ढंग से। कुंवारी पास का रास्ता है वहाँ से, कुंवारी पास से ही डिवाइड हो जाता है पांगरचूला के लिए, और तो कल हम दिखाने वाले हैं सबको आपको। थैंक यू, तो थैंक यू सर आपके साथ बैठ करके, आप बहुत अच्छे रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।